नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं पार्ट एक, हिंदी प्रथम का कौन। पार्ट को शुरू करने से पहले हम इसकी एक्टिविटी को देखेंगे कि हमें इस चैप्टर में क्या सिखाया गया है, क्या बताया गया है। इस चैप्टर ने हमें कुदरत की बनाई गई चीजें और मनुष्य की बनाई गई चीजों के बारे में बताया गया है। कुदरत की बनाई गई चीजें क्या होती है? कुदरत की बनाई गई चीजों को हम कहते हैं जो चीजें भगवान ने बनाई है ना, वो सारी कुदरत की बनाई गई चीज होती है। तो हमें अपनी कॉपी में भी ऐसे ही करना है। जब हमें एक्टिविटी पार्ट को अपनी कॉपी में करना होगा तो हमें कुदरत की बनाई गई चीजें हेडिंग डालते हुए जो भी चीजें भगवान ने बनाई है उसकी पिक हमें वहां पे पेस्ट करनी होगी, चिपकानी होगी, ठीक है। और उसके साथ में इंसान की बनाई गई चीजें भी हमें यहाँ पे अपनी कॉपी में पेस्ट करनी होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान ने बनाई है, इतनी सारी चीजों को तो हम अपनी कॉपी में नहीं समेट सकते ना, तो कुछ एक चीजों को हमने यहाँ पे अपनी कॉपी में पेस्ट किया है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा भी किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। तारे, तारे भी कुदरत की बनाई गई चीज है। और उसके बाद पेड़, पेड़ भी क्या है? भगवान की बनाई गई चीजें हैं। उसके साथ में पत्तियां, पत्तियां भी किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है, कुदरत की बनाई गई चीजें हैं। उसके साथ में सूरज, सूरज भी किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है ना। आगे देखो पिक्चर हमें यहाँ पे दे रखी है पहाड़ की। पहाड़ भी किसका बनाया हुआ है? कुदरत का, यानी कि भगवान का ही बनाया हुआ है। नदियां, नदियां किसने बनाई है? कुदरत ने ही बनाई है। उसके साथ में अगला चित्र देखो यहाँ दे रखा है फूल का। फूल किसने बनाए हैं? भगवान ने ही बनाए हैं। उसके साथ में धरती, धरती को किसने बनाया है? कुदरत ने ही बनाया है। उसके साथ में आकाश, आकाश को किसने बनाया है? उसको भी कुदरत यानी कि भगवान ने ही बनाया है। अगला चित्र देखो, हमें देखा चिड़िया, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी जानवर जो कुछ भी है सब किसने बनाया है? भगवान ने, यानी कि कुदरत ने ही बनाए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, ये सब किसके बनाए हुए हैं? भगवान के बनाए हैं। बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जो सब किसने बनाई है? भगवान ने बनाई। तो कुछ चित्रों को हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अगला देखो हेडिंग यहाँ पे दे रखी है कि मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें। मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान ने भी बनाई है। तो कौन कौन सी है? जैसे मोबाइल, कार, टीवी, ये भी किसने बनाया है? सब मनुष्य ने बनाया है। कंप्यूटर और फोन, बॉल, घर, फर्नीचर, ये सब किसने बनाया है? सब कुछ इंसान ने ही बनाया है। ऐसी जो भी चीजें हैं जो इंसान ने बनाई है तो हम उसको बोलते हैं मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें। बहुत सारी चीजें हैं तो हमने कुछ एक चित्रों को यहाँ पे दर्शा दिया है। आपको अपनी कॉपी में भी ऐसे ही करना है। दो तीन पिक्चर्स की कटिंग करके आपको हेडिंग डालते हुए उनको वहाँ कॉपी में पेस्ट करना है और ये दर्शाना है कि ये मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजें हैं और ये इंसान द्वारा बनाई गई चीजें हैं। इस अध्याय में भी हमको यही बताया गया है कि सुंदर संसार देने के लिए कुदरत का हमें क्या करना चाहिए? आभार करना चाहिए। भगवान को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें बहुत सी सुंदर सुंदर चीजों को दिया है और हम उन चीजों का प्रयोग भी करते हैं ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें भगवान ने दी है, तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान का आभार प्रकट करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने हमें कितनी सारी चीजें दी है जो कि हमारे आसपास है। हमें उनको देखकर उनको खुश होना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए और भगवान के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। तो हम अपने अध्याय को शुरू करने से पहले जो अपनी कॉपी में जो हम अपना वर्क करेंगे तो सबसे पहले अपने एक्टिविटी पार्ट को नीट एंड क्लीन राइटिंग में और डेकोरेट करते हुए अपनी एक्टिविटी को करेंगे। हर बच्चे के लिए जरूरी है कि आप हर चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपको एक्टिविटी मिल रही है उस एक्टिविटी को आप अपनी कॉपी में भी करो ताकि आपको चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आज की मैं मेरी कक्षा यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।